आज की वीडियो में आपको गौहर खान और जैद दरबार के बेबी बॉय को मिलने वाले गिफ्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गौहर खान और जैद दरबार क्यूट से बेबी बॉय के पेरेंट्स बन चुके हैं। पेरेंट्स बनने की खुशी में जैद दरबार ने अपनी वाइफ गौहर खान को एक डायमंड नेकलेस दिया और अपने बेटे के लिए खूबसूरत सा गोल्ड शू चार्म नेकलेस बनवाया। और इन दोनों गिफ्ट्स की प्राइस की बात करें तो इन दोनों गिफ्ट्स की प्राइस बनती है लगभग 15 लाख रुपए। निगार खान, गौहर खान की बहन निगार खान ने भी अपने क्यूट से नेफ्यू के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लिया। निगार खान ने गौहर खान के बेटे को प्लैटिनियम ब्रेसलेट गिफ्ट किया और इस ब्रेसलेट की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है लगभग 3.5 लाख रुपए। सलमान खान और गौहर खान काफी क्लोज रिलेशन रखते हैं और बिग बॉस के बाद सलमान खान और गौहर खान काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। सलमान खान ने गौहर खान को उनके बेटे की ढेरों बधाइयां दी और साथ में उनके बेटे के लिए खूबसूरत सी डायमंड रिंग और इस रिंग की प्राइस है लगभग 5 लाख रुपए। अनुष्का शर्मा ने गौहर खान के बेटे के लिए एक खूबसूरत सी गोल्ड चेन दी और इस गोल्ड चेन की प्राइस है लगभग 2 लाख रुपए। दिया मिर्जा और गौहर बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। दिया मिर्जा ने गौहर के बेटे के लिए स्टफ्ड टॉयज भिजवाए। अनीता हसन नंदी जहां खुद भी एक क्यूट से बेटे की मदर हैं, वहीं पर उन्होंने गौहर खान के बेटे के लिए एक बेबी स्ट्रॉलर भिजवाया और इस फैंसी स्ट्रॉलर की बात करें तो इसकी प्राइस है लगभग 1.5 लाख रुपए। रणविजय और गौहर अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। रणविजय ने गौहर खान के बेटे और गौहर के लिए एक खूबसूरत सी गिफ्ट बास्केट भिजवाई। किश्वर मर्चेंट ने गौहर खान के बेटे के लिए सिल्वर विद डायमंड चिप फोक और स्पून सेट भिजवाया और इस फोक और स्पून सेट की बात करें तो इसकी प्राइस है लगभग 2.25 लाख रुपए। युविका चौधरी एक खुद फैशन आइकन है और उन्होंने गौहर खान के लिए एक लुइस वुइटन का बेबी बैग भिजवाया और इस बेबी बैग की प्राइस है लगभग 1 लाख रुपए। माही वीज ने गौहर खान के बेटे के लिए एक ह्यूज टेडी बेयर भिजवाया। आपको गौहर खान को मिलने वाले इन गिफ्ट्स में से कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।